ये साधारण से ड्रेस में खड़े व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये इस देश के उड़ीसा से सांसद हैं, साथ में 30,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। अच्युत सामंत नाम है इनका। अमिताभ बच्चन ने भी इनके ऊपर जो है कहानी किया है और बहुत सारे जगहों पे इनकी सिंपलिसिटी के बारे में बताई गई है। देख सकते हैं आप कितना सिंपल है सर, देखिए। और ऐसे ही हमेशा रहते हैं और बीजेडी के सांसद हैं, फिर भी मोदी जी भी इनके फैन हैं, इनके सिंपलिसिटी के। कल इनसे मुलाकात हुआ संयोग से, हमारे विद्या मंदिर के एक सीनियर भैया हैं, आ जाइए भैया, इन्होंने मुलाकात कराया। उसके बाद से मैं इनके बारे में जो है आर्टिकल पढ़ा, बहुत सारा आर्टिकल पढ़ा, फिर सोचा कि मैं हम लोग ब्रांड बिहार एक मुहिम चला रहे हैं। ये लोग तो ऑलरेडी उड़ीसा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पूरे देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन ब्रांड बिहार एक मुहिम चला रहे हैं। उसका एक टी शर्ट है और मैं सर को दे रहा हूँ ये टी शर्ट, ये, और इनको बिहार इन्वाइट कर रहा हूँ कि सर एक बार बिहार में आएँ। और 30,000 बच्चों को ये फ्री में पढ़ा रहे हैं, शादी भी सर ने नहीं किया है और एक रुपया का प्रॉपर्टी इनके नाम पे नहीं है। जब ये चुनाव लड़े थे तब उस समय आपके खाते में कितना पैसा था? 3,40,000। 3,40,000 पूरे देश में जो है वो एक न्यूज बना था। साथ में ये हमारे बिहार का जो है वो गमछा जो है शान होता है पूरे बिहार का, तो एक खादी का गमछा जो है ट्राई कलर का, ये जो तिरंगे कलर का, सर को मैं दे रहा हूँ। और मैं एक बार सर के यूनिवर्सिटी में भी जाऊँगा, जो किट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी जाऊँगा, और सर को भी मैं बिहार इनवाइट कर रहा हूँ सर, और बहुत जल्द उड़ीसा में मुलाकात होगी आपसे। और भगवान करे कि आपके जैसे कुछ और सांसद जो है संसद भवन में पहुँचे, कुछ और नेता बने, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश को सख्त ज़रूरत है, जिनके पास हर चीज़ होने के बावजूद भी इतने सिंपल तरीके से रहते हैं। और एक आखिरी में सवाल पूछूंगा सर, शादी क्यों नहीं किया आपने? देखिए, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी लगा। मैंने सवाल शादी से पूछा है सर, मैंने भी नहीं किया, मैंने छोटा भाई का कर दिया है शादी, मैंने नहीं किया। तब तो आप मेरा क्लब में आ जाएंगे, बहुत अच्छा लगा है। देखिए, मैं शादी नहीं किया वो तो बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन मैं समाज के लिए समर्पित जीवन यापन करता हूँ। हजार हजार गरीब आदिवासी बच्चे का मुँह में हंसी फुटाता हूँ, तो शादी नहीं करके सब कुछ कर पाता हूँ ये मेरे लिए सबसे बड़ा बात है। इस शादी में इसलिए नहीं किया, शादी करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला कभी सोचने के लिए जो शादी किया था, बिकॉज मैं इतना गरीब घर में जन्म लिया था। 4 साल उम्र से पिताजी को खो के 25 साल उम्र तक दो पट रोटी खाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। 25 साल उम्र से कीट की शुरू करके गरीब आदमी का सेवा में इतना लग पड़ा, मुझे एक मिनट भी नहीं मिला, सच बोलता हूँ, जो शादी क्या है सोचने के लिए। तो उम्र चला गया, अभी 50+ हो गया है, तो इसलिए। लेकिन मैं आज मैं खुश हूँ, शादी नहीं किया, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा काम भगवान का आशीर्वाद से कर रहा हूँ, और जितना दिन मैं जिंदा रहूँगा करते ही रहूँगा। और बिहार तो मेरा दूसरा जन्मभूमि है, बोलने से अत्युक्ति नहीं होगा, बिकॉज बिहार को मैं बहुत लाइक करता हूँ। बिहार में हर साल जाता हूँ, बिहार का हजार हजार बच्चे कीट विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, सब पिता माता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ हर साल जाके पटना शहर में। आज भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका डिजिटल मीडिया के मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत खुशी लगा, जो मीटिंग में जो चीज़ कॉन्सिडेंटली होता है सडनली, वो अच्छा होता है, सब दिन के लिए होता है। तो आपके साथ मैं सब दिन ऐसे रहूँगा। कोई इनके साथ बाउंसर नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई नहीं है, एकदम सिंपल आते हैं, एक आदमी इनके साथ रहता है, सिंपल आते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं और उसके बाद से फिर पार्लियामेंट में जाते हैं। अटेंडेंस भी पार्लियामेंट का इनका बहुत बढ़िया रहता है और टाइम पे पहुँचते हैं वहाँ पे। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है सर। और ये सिंपल से दिखने वाले शख्स के सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे 2.5 मिलियन फॉलोअर हैं, जरा सोच सकते हैं। और कंट्रोवर्सी में सर कभी नहीं रहते हैं। एक शब्द में कभी कंट्रोवर्सी नहीं दिया हूँ, एंड आई नेवर थिंक और स्पीक इल ऑफ अदर्स। किसी का बुरा मैं कभी सोचा नहीं कि बोला नहीं आज तक। एक बार मैं लिख दूंगा ना, मेरा 2.5 मिलियन 5 मिलियन हो जाएगा, ये मेरा भरोसा। 2.5 मिलियन जो है 25 मिलियन हो जाएगा अगर कंट्रोवर्सी अगर एक बार लिख देंगे तो ऐसे ऐसे लोगों का सम्मान जो है पूरे देश करे, और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जो है पूरे देश को होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत जो है पूरे देश को है।
भगवान करे कि आपके जैसे कुछ और लोग आए और आप जो कर रहे हैं वो और अच्छे ढंग से करें और हम लोग जो है आपके कामों को दिखाने का हमेशा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद।